बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान सिस्टिक फाइब्रोसिस सपोर्ट नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से आज हमारा 22वां सेशन है और हमारी इन टॉक्स का मकसद बेसिकली पाकिस्तान में सिस्टिक फाइब्रोसिस की बीमारी के बारे में आम लोगों को, सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट्स और इनके वालिदैन को इस मर्ज की और इसके मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में अवेयर करना है। इसीलिए इन टॉपिक्स को बहुत सादा और आम फहम अंदाज में बयान करने की कोशिश की जाती है, लेकिन डेफिनेटली जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो भी इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डेंटल हेल्थ इन सिस्टिक फाइब्रोसिस और इस पर डॉक्टर लुबना बात करेंगी जो लाहौर में US डेंटल सेंटर में प्रैक्टिस कर रही हैं। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। और आप लोगों के माइंड में अगर ड्यूरिंग द सेशन कोई क्वेश्चन आता है तो पहले की तरह आप लोग चैट में टाइप कर दीजिए। जी डॉक्टर लुबना जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम लुबना इरम है, मैं लाहौर में प्राइवेट प्रैक्टिस करती हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली, डॉक्टर जुबिया का, आप लोगों ने मुझे मौका दिया यहाँ पे कुछ बात करने का और अल्लाह ताला आप दोनों को जज़ाए खैर दे। There's a small practice in Lahore. अच्छा, मेन ऑब्जेक्टिव इस पे बात करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैं सिस्टिक फाइब्रोसिस से मेरा ताल्लुक इस तरह है कि मेरी बहन राबिया के बेटे अब्दुल्ला को सिस्टिक CF है, तो मैं मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि इस कि डायग्नोसिस से लेके दवाइयों की अवेलेबिलिटी और पेरेंट्स पे जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल, तो मैं इन सब चीज़ों से बहुत वाकिफ हूँ। तो हम जब ये टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं तो मैं स्पेशली बात करना चाहती हूँ कि ये सिर्फ हमारे इन बच्चों के लिए नहीं है। इसमें आप देखिएगा बहुत से प्रॉब्लम वो है जो हम सबके हैं, आपके, मेरे, हमारे बाकी बच्चों के। तो अगर हम इन चीज़ों को इस तरह से लेंगे कि हम कुछ अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस ऐसे करें और हम कुछ ऐसी आदतें अपना लें तो हम भी ये काम कर रहे होंगे, हमारे बाकी बच्चे हमें देख के करेंगे और वो बच्चे भी इसको एक नॉर्मल रूटीन में लेंगे, ओवरबर्डन नहीं फील करेंगे, ना पेरेंट्स अपने आप को फील करेंगे और ना ही बच्चे फील करेंगे। तो मेन हमारा जो मैं इस वक्त जिस पे डिस्कस करूंगी, एक तो हम रिकग्नाइज करें कि डेंटल प्रॉब्लम्स हैं क्या और फिर उनकी प्रिवेंटिव मेजर्स पे बात करें। सिस्टिक फाइब्रोसिस में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगी और फिर जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का रोल और प्रिवेंटिव मेजर्स, आई वुड स्पेसिफिकली टॉक ऑन दिस क्योंकि मुझे सबसे इम्पोर्टेंट ये बात लगती है। अगेन, ये स्लाइड सिर्फ इसलिए आपको बताने के लिए कि दिस dental problems are very common. 60 to 90% of school children have at least one dental cavity. 100% of adults have at least one dental cavity. इसी तरह 15 to 20% of adults ages 35 to 45 उनको severe gum disease होगी और 65 to 74 years के जो हमारे बुजुर्ग हैं उनमें से most of them they don't have any teeth at all. और ये चीजें आपकी lifestyle पे और आपकी overall health को बहुत matter करती हैं। चीजों में बच्चों में बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है। 5 times more common than asthma, it's 20 times more common than diabetes and 4 times more common than early childhood obesity। और अगर हम इसको वक्त पे ट्रीट नहीं करते तो एक तो बच्चा तकलीफ में ज्यादा आता है और दूसरा तकलीफ के साथ जब बच्चा आता है उसका काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये हमारा एक नॉर्मल टूथ की एनाटमी है जिसमें मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रही हूँ कि जो हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर है जो कि एक इनेमल की लेयर है वो हमारी बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्ग लेयर है और यही वो लेयर है जो कि शुरू से डिस्ट्रॉय होना शुरू होती है आहिस्ता आहिस्ता और हमारा कैविटी नीचे तक बढ़ के बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारी हमारी ब्लड सप्लाई तक जब आती है तो वो पेन स्टार्ट हो जाता है। कुछ कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स हैं जिन पे मैं इंशाल्लाह बारी बारी इनको सबको डिस्कस करूंगी। सबसे जो कॉमन चीज है विच इज डेंटल कैरीज एंड कैविटीज, द होल्स विच यू नॉर्मली सी, जो कि हम देखते हैं कि थोड़े होते हैं और फिर वो ज्यादा हो जाते हैं एंड इट इज वेरी कॉमन। इट अफेक्ट्स ऑलमोस्ट 34% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। बहुत ज्यादा चीजें इसको प्रिवेंट कर सकती हैं लेकिन समहाउ हम इसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। जो चीज टूथ डिके कॉज करती है, अब देखिए हमारे अपने ही मुंह में जो हमारा सलाइवा है इट्स फुल ऑफ बैक्टीरिया, देयर आर मिलियन एंड मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया देयर। यही बैक्टीरिया एक स्टिकी लेयर बना देते हैं जिसको हम प्लैक कहते हैं और वो हमारे खाने में जो शुगर है उसके साथ इंटरैक्ट करती है और वो एक एसिड प्रोड्यूस करती है जो हमारी इनेमल लेयर को डिस्ट्रॉय कर रही है। और प्लैक बेसिकली है क्या कि इट्स काइंड ऑफ स्टिकी कलरलेस डिपॉजिट ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया है जो बहुत ज्यादा तादाद में आपकी दांतों के साथ एक लेयर बना देते हैं और अगर आप ब्रश करते हैं तो उससे कोई 4 से 12 घंटे के बाद वो दोबारा से बनना शुरू हो जाता है। इसलिए हम 2 दफा ब्रशिंग रिकमेंड करते हैं और फ्लॉसिंग रिकमेंड करते हैं। चाहे आप जितना मर्जी अच्छी ओरल हाइजीन रखें, बट इफ यू आर नॉट ब्रशिंग वो लेयर रिमूव नहीं होगी। और वो हमारे स्पेशली जो हमारा डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसके साथ वो इंटरैक्ट करके डेंटल कैविटी का बहुत बड़ा सोर्स है। इनेमल जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कैसे डिस्ट्रॉय हुआ है, उसने एक छोटा सा होल किया है जो कि ऊपर से सिर्फ एक होल लगेगा, लेकिन नीचे जाते जाते वो बड़ा भी हो जाता है। और जब वो हमारी ब्लड सप्लाई में पल्प तक हमारा चला जाता है तो वो फिर पेन का जरिया बनता है और उसमें फिर दांत को बहुत ज्यादा खराब हो तो कभी निकालना पड़ता है या उसकी जो हम रूट कैनाल करते हैं। एंड टूथ डिके स्टार्ट करता है बिल्कुल स्मॉल स्पॉट्स के साथ, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट में सिर्फ एक लाइन है, देन इट डेवलप्स और फिर किस तरह से वो बढ़ता बढ़ता आपके दांत को कितना डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर हम शुरू में जब हमें लगता है कि हाँ हमारा वो नॉर्मल टेक्सचर नहीं है, इस वक्त स्टेन्स हैं या फिर इस तरह से कुछ हो रहा है, तो अगर हम उसी वक्त उसको चेक कर लें तो हम इस लास्ट स्टेज पे नहीं पहुंचते। एक और चीज जो बहुत कॉमन है केरीज में, बच्चों में केरीज है जो कि अर्ली चाइल्डहुड केरीज जिसको हम कहते हैं, इसका पैटर्न कुछ इस किस्म का होता है। ठीक है, सामने के दांत आपके बच्चे के नॉर्मली इफेक्ट करते हैं, दे स्टार्ट विद दिस ब्राउन डिस्कलरेशन और ये ज्यादा हो जाता है। और इसमें सबसे बड़ा जो इसका रूट कॉज है वो है ये बॉटल। अब बच्चे को आप इसमें जूस दे, सोडा में कुछ लोग देते हैं, इवन मिल्क अगर आप बच्चे को दे रहे हैं रात को और वो उसको लेके सो जाता है, जिसमें खासतौर पे हमारे यहाँ चीनी बहुत डाली जाती है। अब वो सारी रात देखे उसके साथ इंटरैक्ट, कुछ लोग तो जैसे बच्चे कुछ बिल्कुल इसको लेके ही सो जाते हैं तो वो तो आपके दांतों को बहुत बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय करती है। तो इस हैबिट को हमें बच्चों को वक्त पर इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। और ये जब ज्यादा होती है तो इसकी सिवेरिटी इतनी ज्यादा हो जाती है। इसमें मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि बहुत से लोगों को लगता है कि मदर जैसे अगर फीड करा रही हैं तो वो फिर इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, दे आर नॉट टेकिंग फीडर्स, बहुत से लोगों का ख्याल होता है। लेकिन ह्यूमन मिल्क भी उतना ही ज्यादा केरीज का कॉज करता है जितना कि आप काउस मिल्क दे रहे हैं या फिर फीडर में दे रहे हैं। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ फीडर ही कॉज करेगा। अब जो ग़िज़ा हम आमतौर पे जो कि ज्यादा टूथ डिके का बायस बनती है, उसमें हमारे केक्स, बिस्किट्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्पेशली सॉफ्ट ड्रिंक्स, आई वुड से फ्रूट जूसेस एज वेल, स्वीट्स एंड चॉकलेट्स एंड फ्लेवर्ड मिल्क, योगर्ट, सीरियल्स जितने हैं, जैम्स और हमारा फ्रूट्स कैंड एंड सिरप, सर्टेन सॉसेस एंड केचप्स एंड मेडिकेशंस, स्पेशली व्हेन दे टेकन इनअप्रोप्रिएटली। अगर हम दवाई सही तरीके से नहीं खा रहे, हम उसको बजाय कि हम स्वॉलो करें हम उसको तोड़ रहे हैं या हम उसको वहां पे रख रहे हैं, तो वो भी आपके दांतों को भी डैमेज करेगा और आपके जो सॉफ्ट टिश्यू है उसको भी डैमेज करेगा। और बहुत बड़ा जो सोर्स ऑफ कैविटीज है वो है हमारे कार्ब्स। जितनी हमारी कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है, स्पेशली रिफाइंड कार्ब्स, अब जिस तरह से हैं हमारे पिज्जास हैं, चिप्स हैं, दे हैव दिस प्रॉपर्टी के लिए आपको स्टिक कर जाएंगे आपके दांतों के साथ। और अगर आप उसको क्लीन नहीं करते तो बैक्टीरिया दे ग्रो लाइक एनीथिंग ऑन कार्ब्स। तो उनका फेवरेट फूड है कार्ब, आपका फेवरेट है, उनका भी फेवरेट है, वो उसको उसी तरह से इस्तेमाल करेंगे जिस तरह आप करते हैं। एंड कैविटीज को करने में बहुत बड़ा, तो अगर हम स्पेशली बच्चे कार्ब्स, अब मुझे पता है इस बात का कि हमारे बच्चे CF वाले बच्चे हाई कार्ब डाइट पे हैं, हाई प्रोटीन डाइट पे, हाई फैट डाइट पे हैं, लेकिन इन सब चीजों के साथ अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रखना भी इक्वली जरूरी है। ये बात स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूंगी। देखिए 6 ईयर मोलर्स एट 6 ईयर्स ऑफ एज, जो हमारा परमानेंट मोलर है, अब देखिए ग्रीन सर्कल में जो आपको नजर आ रहा है, ये इरप्ट कर जाता है। ये वो हमारा दांत है जो कि हमारे बेबी टीथ नहीं है, इट्स अ परमानेंट टूथ। और इसको बहुत सी दफा पेरेंट्स इस चीज को रिकग्नाइज नहीं कर पाते कि ये एक हमारा परमानेंट टूथ इरप्ट कर रहा है। बाकी दांत अक्सर इसमें हमारे अभी दूसरे ही होंगे और ये दांत है जो कि सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। अब ये देखें, ये दांत 6 साल की उम्र में निकल रहा है और ये आपके मुंह में रहना है जब तक आप हैं। और ये दांत सबसे ज्यादा इसमें ही केरीज होती है और इसी को हमें निकलवाना पड़ता है कभी कभी, बच्चों का या बड़ों का भी इतना खराब हो जाता है। तो इन दांतों की ना मैं हमेशा कहती हूँ, इनको खास तौर पे पेरेंट्स जब 6 ईयर्स पे बच्चे आपके हैं, आप इनको देखें कि आपको लगेगा बच्चा अक्सर इरिटेट हो रहा होता है उस टाइम पे, दांतों को क्लेंच कर रहा होता है, सोते में क्लेंच कर रहा होता है। तो ये चीज आपने बहुत इस पे, इनको इन दांतों की ना स्पेशल हिफाजत करनी है, इनको बचाना है। ये आपके खाने वाले दांत हैं एंड दे आर लाइक द पिलर्स, सारा लोड हमारा आमतौर पे इन्हीं के ऊपर आता है। तो स्पेशली 6 ईयर मोलर्स का आपने बहुत ध्यान रखना है। दूसरा जो हमारा बड़ा प्रॉब्लम है वो है हमारे गम डिजीजेस। इसमें इनकी वजह से हमारे जो आमतौर पे ब्लीडिंग गम्स की इश्यूज होते हैं, सेंसिटिविटी में ठंडा गर्म, बैड ब्रेथ या पेन एंड लॉस ऑफ, ये चीजें ऐसी हैं जो कि हम आमतौर पे देखते हैं। और इसमें होता ये है कि जो मैंने अभी प्लेक का जिक्र किया, अगर हम इसको रिमूव नहीं करें तो हमारे ही सलाइवा में से कुछ मिनरल्स हैं जिसको वो क्यूमुलेट हो जाते हैं एंड दे हार्डन इनटू टार्टर और दे कैल्कुलस डिपॉजिट्स हो जाते हैं। ये येलोइश या ऑफ वाइट डिस्कलरेशन नजर भी आती है और इसको मैकेनिकली रिमूव करना पड़ता है। अगर हम ब्रशिंग और प्लेक रिमूव करते रहे तो ये बिल्डअप कम होता है, लेकिन अगर हम इस चीज को नहीं कर रहे तो फिर ये बिल्डअप ज्यादा हो जाता है। अब आप ये देख सकते हैं जैसे हेल्दी गम्स और हेल्दी बोन रहती है उसमें। अगर हमारे गम्स हेल्दी नहीं हैं तो हमारी जो बोन है नीचे की वो भी आहिस्ता आहिस्ता सारी रिसीट करना शुरू कर जाएगी, नीचे जाना शुरू कर जाएगी, जिसकी वजह से हमारी रूट्स बाहर आ जाएंगी, सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाएगी, पेन ज्यादा हो जाएगी, दांतों में से खून आना ज्यादा हो जाएगा। तो ये एक चीज है जो कि आप बहुत थोड़ी सी चीज से स्टार्ट होती है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाती है। अगेन ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए है, बस सिर्फ ये दिखाने के लिए कि कैसे रूट्स आपकी एक्सपोज हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता जब आप अपने गम्स की हेल्थ का ख्याल नहीं रखते। अच्छा, अनदर इशू जो कि बच्चों में आमतौर पर अब बहुत ज्यादा स्पेशली कॉमन हो गया है कि स्टेनिंग आ जाती है दांतों पर। अब स्टेनिंग और कैरीज में फर्क है। स्टेन्स हैं जिस तरह के अभी आप देख सकते हैं, ये आपको इस तरह ब्लैकिश से नजर आएंगे और ये यूनिफॉर्मली तकरीबन सारे दांतों पे इसी तरह से होंगे। बहुत बड़ा कॉज है हमारा जो फूड है, फूड कलर है, इसके अंदर बहुत ज्यादा बच्चों की डाइट है जिस तरह की, उसमें। और स्टेन्स एज सच कोई बहुत डेंजरस नहीं होते हैं, कुछ पेन नहीं करेंगे बिल्कुल भी, एंड दे कैन बी इजिली रिमूव्ड एज यू कैन सी। मगर प्रॉब्लम यह है कि बच्चों में काम कराना इससे आसान नहीं है। अब इन स्टेन्स को बड़ों में रिमूव करने में और इनमें बच्चों में भी रिमूव करने में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, लेकिन बच्चे को बिठा के और उसको समझा के ये कराना मुश्किल है। सिंपल ब्रशिंग से इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, मगर ये होते हैं एंड स्पेशली मैंने आजकल देखे बहुत ज्यादा कॉमन। और कुछ स्टेन्स ऐसे हैं जैसे देखिए ये टेट्रासाइक्लिन के स्टेन्स हैं, मेडिसिन के स्टेन्स हैं। अब इसमें डॉक्टर्स का रोल है एंड आई एम श्योर कि ये अगर बच्चों को 8 साल से कम उम्र में टेट्रासाइक्लिन दी जाए या प्रेगनेंसी में मदर मिली होगी तो तब बच्चों में इस तरह के स्टेन्स आते हैं। ये रिमूव नहीं हो सकते हैं, इनके फिर और ट्रीटमेंट्स होते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि ये अब नहीं दी जाती होगी उस तरह से। कुछ हमारा फूड जो कि बहुत ज्यादा स्टेनिंग कॉज करता है, उसमें कॉफी, कोला को तो मैं जितना भी कहूँ ना ये बस बहुत ज्यादा है, और हमारा सिट्रस और एसिडिक फ्रूट्स जो है दे आर ऑल्सो अ मेन सोर्स ऑफ स्टेन्स। एंड टी, चाय बहुत ज्यादा स्टेन कॉज करती है, कॉफी से ज्यादा चाय के स्टेन्स आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगे। एक कुछ हमारी ऐसी हैबिट्स हैं जो कि हमारे दांतों को बहुत ज्यादा बुरे तरीके से नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे हम हार्ड फूड इस तरह या नट्स को हम तोड़ रहे हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज हैं बच्चों के अंदर हो जाती हैं। बच्चे आमतौर पे अपने नेल्स काट रहे हैं अगर दांतों से, तो वो सिर्फ आपके नेल्स को इफेक्ट नहीं करेगा, वो आपके बच्चों के दांतों को इफेक्ट करेगा। इसी तरह से जो हम बॉटल्स ओपन कर रहे होते हैं आमतौर पे देखिए वो क्रैक है, यू कैन सी देयर इज अ क्रैक इन द टूथ, और ये इतना आसान नहीं होता रिपेयर करना, इसको आमतौर पे निकलवाना पड़ जाता है। पेंसिल च्यूइंग अनदर हैबिट बहुत कॉमन है, बड़ों में भी है, और उसमें खासतौर पे आप एज ए सीजर उसको यूज कर रहे हैं अपने दांतों को, आप उससे इलास्टिक काट रहे हैं और रैपर्स को तोड़ रहे हैं। ये चीजें हमें लगता है अपेरेंटली कि इनका कोई असर नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही आपके दांतों की लेयर को बकायदा जो है ना उसको खराब कर देती है। इस तरह होल्डिंग थिंग्स, हम हैंगर्स को कभी कभी बच्चे हो या फिर अपनी शर्ट्स को खा रहे होते हैं, ये चीजें इफेक्ट करती है। तो दांत हमारे सिर्फ खाने के लिए बने हैं, बाकी चीजों के लिए नहीं है। अगर हम उनको और चीजों में इस्तेमाल करेंगे तो वो काफी ज्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। इसी तरह कुछ लोगों को बर्फ को जैसे चबाने की आदत होती है, ये भी आपके दांतों को इनेबल लेयर को बहुत ज्यादा डैमेज करती है, तो इस चीज को भी अवॉइड करना चाहिए। नॉर्मली बहुत से पेरेंट्स का ये कंसर्न होता है कि जी दांत हमने निकलवा लिए हैं और फिर दांत आए नहीं उसके बाद, तो डिले टूथ इरप्शन इज अ प्रॉब्लम, और इसके बहुत सी वजूहात हैं। इसके अंदर कभी ऐसा हो जाता है कि स्पेस हमारे पास कम होती है या फिर जगह कोई ठीक नहीं होती, उसकी डेफिशिएंसी स्पेशली विटामिन डी डेफिशिएंसी के अंदर ये हो जाता है। अब एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एक जो डिले 6 से 12 मंथ्स का जो है ना, ये नॉर्मल है, इसमें इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ, और सीएफ में थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है ये वाला, क्योंकि आपकी ग्रोथ उस तरह से नहीं है। और अगर उसके बाद ये प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर उसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि नीचे जो टूथ आ रहा है उसका एक रेडियोग्राफ होगा, तो उसमें हमें पता चलेगा कि अच्छा वो कितना नीचे है, हम फिर उसके मुताबिक उसको डील करते हैं। ये मैंने सिर्फ एज ए रेफरेंस बताया इन मंथ्स के किस टाइम पे ये आपके डिसिडुअस जो आपके दूध के दांत जिसको हम कहते हैं प्राइमरी टीथ है, ये उनके आने का टाइम है इन मंथ्स। इट्स जस्ट अ रेफरेंस कि बहुत से लोग कहते हैं अच्छा इतने देर का बच्चा हो गया आया नहीं, तो ये उस तरह से है। और परमानेंट टीथ हमारे इसी ये भी इसी तरह का एक रेफरेंस है कि लोअर टीथ आपके देखें 6 to 7 years में आ जाते हैं, अपर 7 to 8। ये एक रफ पैटर्न है, ये हर एक पे अप्लाई नहीं होगा। दिस इज जस्ट टू सेटिस्फाई द पेरेंट्स कि अच्छा ये इस तरह से ये नॉर्मल पैटर्न है। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो कि आम भी आ जाता है जो लोग मेडिसिन ले रहे होते हैं स्पेशली इन सीएफ एज वेल, वो है आपका ड्राई माउथ, कि आपका सलाइवा आपका ड्राई, आपका मुंह में जो सलाइवा है वो इतना बन नहीं रहा, और ये बहुत बड़ा कॉज होता है हमारी कैविटीज में, हमारे गम प्रॉब्लम्स के अंदर। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज जो मैं इसमें बताना चाह रही हूँ ना, वो है कि ह्यूमन सलाइवा इज 99.5% वाटर, इट्स बेसिकली वाटर। इस बात को मैं आगे मजीद एलेबोरेट भी करूंगी। तो ये है कि मेडिसिन की इफेक्ट की वजह से ड्राई माउथ हो जाता है, और उसकी वजह से हमें कैविटीज भी होती हैं और मुख्तलिफ किस्म के गम प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं। और जैसे सीएफ में स्पेशली जब हम इनहेलर्स बच्चे ले रहे हैं, स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, उनका सलाइवा का फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। एक प्रॉब्लम जो देखा जा सकता है वो है ओरल थ्रश या कैनिडल इन्फेक्शन है, जो कि इस तरह की अपेयरेंस होगी कि वाइट पैची किस्म की अपेयरेंस होती है, कभी रेडिश होती है, ब्लीड भी कर जाता है कभी कभी। अगर इसको टाइम पे रिकग्नाइज किया जाए और ट्रीट किया जाए तो इट्स नॉट अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। बेसिकली फंगल इन्फेक्शन है और मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स की यूज़ की वजह से और स्टेरॉइड्स की वजह से ये हो जाती है, तो इसको हमें जहन में रखना है, ठीक है। अब एक चीज़ है टूथवेयर। अब मुख्तलिफ हमारी हैबिट्स कभी कभी ऐसी हो जाती हैं या कुछ और कंडीशंस हैं जिसके अंदर हमारे दांत मुख्तलिफ पैटर्न में वो हमारे टूथ का वेयर एंड टेयर होता है। जैसे कुछ लोग क्लेंच करते हैं या ग्राइंड करते हैं टीथ, टूथब्रश ट्रॉमा है, तो मैं इसके बारे में मजीद बात करूंगी। जैसे देखिए 3 तरह के टूथ वेयर हैं जो हमें नजर आते हैं। एक है एट्रिशन, जो कि हमारे क्लेंचिंग की वजह से या जो लोग अपने दांतों को पीसते हैं, और ये बाकायदा आवाज आती है रात को, अगर जिन लोगों को हैबिट होती है ना ये, और ये कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है। और इसमें जो हमारी बाइटिंग सर्फेसेस हैं, ये जहाँ पे ब्लैकिश आप स्पॉट्स लाइंस देखते हैं, ये बिल्कुल खत्म हो जाती है। दूसरा हमारा डेंटल इरोजन है, विच इज कमिंग फ्रॉम द एसिड, आइदर इट्स द स्टमक एसिड या फिर यह कि जो हम ड्रिंक्स ले रहे हैं उसके अंदर एसिड है, और ये भी हमारी लेयर्स को खत्म कर देते हैं। इनेमल लेयर आपकी बिल्कुल खत्म हो जाती है। एंड वी हैव एब्रेशन, जिसके अंदर कभी कभी हम ब्रश इस तरह से कर रहे होते हैं कि हम इतना ट्रॉमेटिक ब्रश कर रहे होते हैं कि हम उस अपनी सरफेस को, इनेबल लेयर को तकरीबन हमारी खत्म हो जाती है। और इसके डिफरेंट पैटर्न है। अब जो रात को खासतौर पे जो लोग अपने दांतों को पीसते हैं, जिसको हम ब्रक्सिज्म कहते हैं, वो एक तो आपको आवाज भी आती है, दूसरा आप जब उठते हैं आपको एक पेन फील होगा अपने जॉ में, और नींद आपकी ऑब्वियसली डिस्टर्ब होती है, और ठंडा गर्म ज्यादा लगता है। इसके फिर मुख्तलिफ ट्रीटमेंट होते हैं जिसके अंदर हम नाइट गार्ड ऐसा देते हैं, मगर ये एक पैटर्न, एक चीज है जिसको आप रिकग्नाइज मैं बेसिकली कराना चाह रही हूँ, और छोटे बच्चों में भी होता है। मेरा अपना बेटा 6 years का है, एंड ही ग्राइंड्स हिज टीथ लाइक एनीथिंग, और उसको मुझे उसमें देखिए अक्सर ऐसा होता है कि जब आपके 6 year मोलर्स आ रहे हैं, बच्चे को कोई इरिटेशन हो रही है या बच्चा स्ट्रेस में है, कभी बड़े लोग भी इसी तरह से, तो ये चीज कॉमन है। और एक और कॉज डेंटल इरोजन का है एसिडिक फूड, जिसमें हमारे लेमन्स, ऑरेंजेस, ऑल दिस, ये हमारे दांतों, हमारे मुंह में एसिडिटी ज्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा इनेमल इफेक्ट हो रहा है। इसी तरह GERD के अंदर जो हमारे अपने एसिड स्टमक्स हैं, दे फ्लो बैक, Then they reach the mouth. This is another cause of dental erosion. Dry mouth, again, मैंने वही पहले इसका जिक्र किया. और ईटिंग डिसऑर्डर्स में जैसे कुछ लोग अगर डाइट कर रहे हैं वो वॉमिट कर देते हैं, तो अगेन आपका गैस्ट्रिक एसिड्स आपकी ओरल कैविटी में आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो या रिकरेंट वॉमिटिंग होती है जैसे कभी बच्चों के अंदर, वो आपके दांतों को, इनेमल को स्पेशली डैमेज कर रही है. सोडा, अगेन सोडा, मैं तो इसको जितना भी कहूँ ये कम है, ये आपके दांतों को बिल्कुल इसी तरह से खत्म करता है जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा है. अगेन सोडा, मैं इस पर कुछ ज्यादा ही शायद कह रही हूँ, मगर 62% रिसर्च सेज पीपल हु ड्रिंक 3 or more ग्लासेस ऑफ सोडा ईच दे हैव 62% मोर टूथ के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं जब आप ये ले रहे हैं. और ये डिफरेंट पैटर्न आपको नजर आ रहे हैं. आप देखें एट्रीशन के अंदर आपकी ऊपर की लेयर बिल्कुल फ्लैट है एक पैटर्न के अंदर. जो डेंटल इरोजन है उसमें बाकायदा दांत आपके ऊपर से खत्म हो चुके हैं. और एब्रेजन जो हमें नजर आ रही है इसमें टूथब्रश, ये टूथब्रश ट्रॉमा है जो कि ज्यादा हो, तो आप ऊपर की तस्वीर में देख सकते हैं कि वो किस कदर ज्यादा इफेक्ट करता है. इस चीज को हम रिकग्नाइज करें, ये इसका ट्रीटमेंट है, हो जाता है. और इसको हमें हम देखें कि किस वजह से हो रहा है, हमें उसको ट्रीट करना पड़ता है और फिर ये दांत भी इनको हम रिस्टोर कर सकते हैं. ये इतना बड़ा इशू नहीं है. अब एक चीज है माउथ ब्रीदिंग. बहुत से बच्चों, और यही मैं दोबारा कहूंगी सिर्फ CFS नहीं, आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपको इस तरह का पैटर्न बहुत बच्चों में नजर आएगा. और कभी कभी ये एक फैमिली में एक एवरीबडी इज डूइंग इट, तो बच्चे उनको देखते हैं तो वो समझते हैं कि ये भी नॉर्मल है, हमने भी यही इसी तरह से हमने सांस लेना है. और अगर हम अपने नाक से सांस ले रहे हैं और हम अपने मुंह से सांस ले रहे हैं उसमें बहुत फर्क आ जाता है. Our bodies absorb like 18% more oxygen when we breathe through our nose versus our mouth. Basically हम क्या कर रहे हैं, हम नाक से सांस लेने के बजाय मुंह से सांस ले रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. जैसे आपके ड्राई लिप्स होते हैं बच्चों में, और एंड दे हैव अ ड्राई माउथ, ऑब्वियसली सलाइवा कम है, और गम्स आपके सोलन होंगे, रेड होंगे, बाइट ओपन होगी, मतलब दांत आपस में, जैसे अगर बच्चे रिलैक्स भी बैठे हैं तो आपका मुंह खुला होगा थोड़ा, दांत आपके सामने के उनमें मुसलसल बिकॉज ऑफ द एयर और उनको वो सलाइवा की वजह से वो मॉइस्चर नहीं मिल रहा, तो वो इफेक्ट होते हैं. इसकी वजह से बच्चे इस तरह सो रहे होते हैं और ये आपकी ओवरऑल फेशियल बोन स्ट्रक्चर को भी इफेक्ट करता है. दिस इज समथिंग व्हिच शुड बी रिकग्नाइज्ड, और इसके अंदर जो भी अंडरलाइन कॉज है उसको भी हमें देखना पड़ता है कभी. अब आप ये देखिए बहुत डिफरेंस होता है. जो बच्चा माउथ ब्रीदिंग कर रहा है और नोज ब्रीदिंग कर रहा है उसकी डेंटल आर्च यानी कि जो उसकी पूरी जो अलाइनमेंट है वो ही डिफरेंट हो जाती है. इसलिए इस चीज को हमें रिकग्नाइज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये आपको बहुत नजर आएगी. कुछ एटीट्यूड हैं हमारे जो कि स्पेशली हमारे यहाँ पाकिस्तान में हम देखते हैं कि हम बच्चों के दांतों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती. दे जस्ट सिंपली सेड कि जी अच्छा बेबी टीथ दे फॉल आउट एनीवेज, दे डोंट मैटर एट ऑल. या फिर बहुत से लोगों को लगता है कि टू डिके विल हैपन नो मैटर व्हाट वी डू, हम जो मर्जी कर लें दांत तो जी नुकसान भी होगा और ये गिरेंगे भी. या सम पीपल, और जिनको लगता है कि नहीं बच्चों को चॉकलेट्स का शौक है तो हमने ये देते ही रहना है. और फ्लोराइड पे भी कुछ लोगों का इशू होता है. तो ये कुछ ऐसे बिलीफ्स हैं जो कि हमें इसको रिकग्नाइज करना चाहिए कि बच्चों के दांत भी इक्वली इम्पोर्टेंट है जितने बड़ों के. बेशक वो गिर जाएंगे, लेकिन आप ये देखिए, मैं स्पेशली ये दिखाना चाह रही हूँ कि ये एक 4 years का बच्चा है, उसके आप देख सकते हैं इसमें जो नंबरिंग हुई है 1 2 3 4 5 6 7, ये सब वो दांत हैं जो परमानेंट हैं, जो आने हैं. ठीक है, नीचे वाले दांत जो इस वक्त मुंह में है वो सब आपके प्राइमरी टीथ हैं, जो बेबी टीथ हैं. अब आप देखिए अल्लाह का कैसा निज़ाम है कि जो परमानेंट टीथ है उनको गाइड करते हैं ये वाले दांत अपनी जगह पे आने में. अगर हम एक दांत को निकाल देते हैं वक्त से पहले तो हमारा जो परमानेंट टूथ है ना उसको वो पाथ नहीं मिलता, उसको समझ नहीं आती कि मैंने अब कहाँ से जाना है. तो ये इन दांतों की बड़ी इंपॉर्टेंस है, हमें जितनी कोशिश करनी चाहिए कि इनको हम खराब ना होने दें. ठीक है, एक तो बच्चे के अपने साइकोलॉजिकल इश्यूज आ जाते हैं अगर उसके दांत सारे ब्लैक हैं, या फिर यह है कि उसको उसमें पेन है, स्पेशली बच्चों का जो पेन का इशू है उसको फिर टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाता है. Again, cavities in infants can lead to premature loss of baby teeth. This should be remembered. और ये आपके permanent teeth को भी affect करते हैं as they are guided by the first teeth. पहले वाले दांत आपको guide कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आपके दांत किस तरह से अपने सही रास्ते पे आएंगे और कहाँ पे जाना है उन्होंने. एक हैबिट जिसको मैं जरूर हाईलाइट करना चाहूंगी वो ये है कि बच्चों में कुछ हैबिट्स जैसे देखिए थंब सकिंग एंड इट कंटिन्यूस, इसको हम इसको ब्रेक भी नहीं कर रहे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि एक आपकी बच्चे की ओपन बाइट होगी. ठीक है, एट रेस्ट भी उसकी इसी तरह की बाइट होगी जिस तरह की आपको यहाँ पे नजर आ रही है। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, देखिए इनेमल डिफेक्ट्स आर कॉमन। इसके अंदर आपका हो सकता है कि इनेमल की शक्ल थोड़ी सी डिफरेंट हो, आपके दांत उस तरह से नहीं होंगे, शायद हर एक में नहीं होगा, आई मस्ट से जैसे कि हर एक में नहीं होगा। इसी तरह आपकी ग्रोथ पैटर्न जिस तरह है उसकी वजह से भी दांत इफेक्ट होंगे, पुअर न्यूट्रिशन समटाइम्स इट इफेक्ट्स द टूथ ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर। और हाई कैलोरी फूड अब उसकी जरूरत भी है लेकिन उसकी वो डेंटल कैरीज का बहुत बड़ा। माउथ ब्रीदिंग अगेन मैं इसको बहुत ज्यादा इस पे स्ट्रेस मैं करना चाहूंगी कि ये देखिए अंडरलाइन कॉज क्या है। कभी बच्चों में एडेनॉइड्स हैं या टॉन्सिल्स इनलार्ज हैं जिसकी वजह से बच्चा सांस ही नहीं ले पा रहा नाक से, तो उसको हमें उसको रिकग्नाइज करना पड़ता है। हमें किसी ENT स्पेशलिस्ट को बच्चे को अगर दिखाना पड़े और अगर नीचे जो भी मसला है जिसकी वजह से हो रहा है फिर बच्चे को थोड़ा सा हमें इस बात को हमें बताना भी है कि हाँ ये एक प्रॉब्लम है, तो हम इसको इस पे भी थोड़ा सा वर्क करने की कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। जैसे देखिए नॉर्मल इस तरह से है, अगर आपके इनेमल डिफेक्ट्स हैं तो इसमें माइल्ड से मॉडरेट टू सिवेरिटी आप देख सकते हैं कि ब्राउनिश सी अपीयरेंस इसके अंदर हो जाएगी। पेशेंट्स को स्केलिंग करवानी पड़ सकती है CF के अंदर क्योंकि टार्टर बिल्डअप और प्लैक बिल्डअप ज्यादा हो जाता है, तो जरूर स्केलिंग्स की जरूरत पड़ सकती है। और ओरल थ्रश इज कॉमन एज आई सेड, डिक्रीज सलाइवरी फ्लो और उस ड्राई माउथ की वजह से कैरीज कैविटीज काफी ज्यादा रहती हैं। अब जो क्रेयॉन्स बच्चे ले रहे हैं और अगर उस क्रेयॉन को सही तरीके से लेने के बजाय वो कैप्सूल को मुंह में रख रहे हैं, गलत तरीके से उसको ले, तो उसकी वजह से भी आपका ओरल म्यूकोसा आपका जो सॉफ्ट टिश्यू है वो डैमेज होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपकी मेडिसिन है स्पेशली कैप्सूल को इस तरह से ना लिया जाए, उसको या तो स्वॉलो किया जाए या जिस तरह बच्चे खोल के लेते हैं जिस तरह से, जब तक वो नहीं ले सकते, तो ये भी एक फैक्टर होता है कि वो आपके दांतों को भी डैमेज करेगा और आपके सॉफ्ट टिश्यू को भी करेगा। ठीक है, अब हम कर क्या सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट तो मैंने वही बात की, प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनलाइक बोन्स और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी दे आर इनकैपेबल ऑफ सेल्फ रिपेयर, टीथ आर इनकैपेबल ऑफ सेल्फ रिपेयर, खुद को अपने रिपेयर नहीं कर सकते। अगर एक दफा कैविटी स्टार्ट हो जाती है उसको हम इनिशियल स्टेज पे अगर हम मेजरमेंट्स लेते हैं तो वो स्टॉप हो जाती है, हाँ वो ज्यादा नहीं बढ़ेगी, लेकिन अगर हम नहीं करेंगे तो वो पेन का बहुत बड़ा जरिया बन जाती है। सिंपल बातें हैं, सबसे इम्पोर्टेंट एक तो ब्रश करना है 2 दफा। टूथपेस्ट सब सारी फ्लोराइड टूथपेस्ट होती है इसलिए कोई इतना मसला नहीं है कि हम स्पेसिफिकली हमें कोई खास टूथपेस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताऊं कि अगर आप नॉर्मल तरीके से ब्रश करें, इट्स द टेक्निक दैट मैटर्स एक्चुअली। फ्लॉसिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और इन बिटवीन स्नैक्स बहुत डैमेज करते हैं। हम अक्सर ये कहते हैं कि इट्स नॉट द अमाउंट ऑफ शुगर विच मैटर्स बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ शुगर यू टेक दैट मैटर्स। अगर आपने 100 ग्राम शुगर एक दफा ले लिया ना, वो इतना नुकसान नहीं देगी जितना आप अगर 5-5 ग्राम ले जा रहे हैं, ठीक है, मुसलसल डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के साथ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नीड रेगुलर चेकअप, सर्टन केसेस में जरूरी होता है आपको जो है ना। सबसे इम्पोर्टेंट है कि देखिए बच्चा ब्रश नहीं करना आपने हर खाने के बाद, ये बात बहुत जरूरी है याद रखनी। रिंस जरूर करना है, मुंह पानी मुंह में डालिए उसको रिंस जरूर कीजिए, ठीक है, डोंट लेट द फूड स्टिक अराउंड। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि देखिए खाने के फौरन बाद ब्रश नहीं करना, क्योंकि ये हो रहा है कि आपकी एसिडिटी मुंह की इस वक्त ज्यादा है और अगर इनेमल ऑलरेडी बहुत वीक है तो उससे क्या होगा कि आपका इनेमल के इरोजन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो यू डू नॉट हैव टू ब्रश इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग योर फूड। माउथ ब्रीदिंग का जो भी कॉज है, अंडरलाइन कॉज, उसको रिकग्नाइज करके उसका कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करना है। अब एक तो कार्ब डाइट, हाई कार्ब डाइट कैविटीज का बहुत बड़ा जरिया है और अगर ऐसा हो सके, अब मुझे पता है कि CF बच्चे जो हमारे हैं इनको डाइट ज्यादा चाहिए, लेकिन अगर हम इस तरह करें कि अब ऐसा ना करें कि जी हमने अभी हमने चिप्स खाए और फिर हमने अगर रिंस भी किया हम दोबारा से हम कुछ खा रहे हैं, अगर हम थोड़ा इकट्ठा खा के हम इस और उसके बाद थोड़ा गैप देके दोबारा से खाएंगे, मुसलसल जो आप खा रहे हैं ना ये आपके दांतों को डैमेज कर रहा है। एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर। देखिए ये इस चीज पे तो एक अलग प्रेजेंटेशन हो सकती है कि इतनी इंपॉर्टेंट है, मेरा ख्याल है। और अगर आप सिंपल एक तरीके अपने बॉडी वेट को 5 से डिवाइड करें और उसके बाद यू नो इट गिव्स यू द अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आवर बॉडी इज 70% वाटर। अब देखिए लंग्स 80% है, लिम्स हमारे 94%, एवरीथिंग इज वाटर। और मैंने जैसे पहले कहा आपका सलाइवा 99.5% वाटर है। हमारे बच्चे कितना पानी पी रहे हैं, ये बहुत जरूरी है कि वो कितना पानी पी रहे हैं, क्योंकि देखें अगर वो नहीं रिंस भी कर रहे, नहीं उस तरह ब्रश भी कर रहे, लेकिन एटलीस्ट अगर वो पानी पी रहे ना तो वो ऑटोमेटिकली उनका एक तो सलाइवा कम नहीं होगा और दूसरा वो भी आपके ओरल हेल्थ को बेहतर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे बच्चों को ना आपकी, अगर हम खुद भी देखें, हमारी भी शायद उस तरह का वाटर इनटेक नहीं है जितना कि हमारा होना चाहिए। और कुछ बातें हैं जैसे बच्चे जो इनहेलर्स यूज करें, स्पेशली जब आप इनहेलर यूज करें तो बच्चे को जरूर कहें कि वो एक दफा रिंस करे, पानी को बाहर फेंके, ठीक है, अंदर नहीं वो पानी लेके जाना। और बहुत से इनहेलर जिससे आपकी एसिडिटी बढ़ रही है तो उसके फौरन बाद ब्रश नहीं करना, क्योंकि उस वक्त भी आपकी पीएच ज्यादा है और आपका इनेमल के इरोड होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, आधा घंटा का, और उसके बाद फिर आप रिंस फौरन करवाएंगे। और उसके बाद, क्योंकि अगर आप रिंस नहीं करा रहे, उससे एक तो डेंटल इरोजन के चांसेस बढ़ रहे हैं और दूसरा ओरल थ्रस्ट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये रिंस कराना तो इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बात याद रखनी है कि इट्स टू मिनट्स मिनिमम 2 मिनट है जो कि आपने लगाने और ट्वाइस अ डे, थ्राइस या उसको ज्यादा करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम 2 दफा कर रहे हैं लेकिन हम सही से कर रहे हैं तो इट्स इनफ। अब ये मैंने ना सिर्फ टेक्निक्स के नाम यहाँ पे इसलिए बताए हैं कि आप YouTube पे जाएं, बच्चे को दिखाएं और खुद भी देखें कि ये क्या टेक्निक है जिससे हमने, हमारी टेक्निक मैटर करती है, टूथपेस्ट डज नॉट मैटर। अब आप ये चीज जो मैं बताना चाहूंगी कि आप देखें कि हमारा टूथपेस्ट एक 45 डिग्री के एंगल पे होगा कि हमारे दांत और हमारे जो गम्स हैं उसके अंदर भी उसके ब्रिसल्स जाएं थोड़े से। ये बड़ों में टेक्निक है, बैस टेक्निक है, मॉडिफाइड बैस टेक्निक के नाम से यह होगा। तो आप YouTube पे जाके खुद भी देखें और बच्चों को दिखाएं, ये बड़े बच्चों के लिए स्पेशली। और छोटे बच्चों के लिए वी हैव दिस स्पॉन्ज टेक्निक जो कि सर्कुलर मोशन के साथ बच्चे ब्रश करते हैं। और ये उन बच्चों में है जो कि जरा छोटे हैं, अभी उनकी मैनुअल डेक्सटेरिटी इतनी नहीं है कि वो कर सके। बच्चों को YouTube पे जरूर दिखाइए ये कि ये किस तरह से की जाती है, बड़ी अच्छी वीडियोज है, एनिमेटेड है, बच्चे बहुत जल्दी पिक कर लेंगे इस चीज को। अब टूथपेस्ट कितना लगाएं, बहुत ज्यादा टूथपेस्ट लगाने बच्चों को नहीं देनी चाहिए आपको, ठीक है। अगर अंडर एज 3 साल से कम के लिए आप बिल्कुल ग्रेन ऑफ राइस की तरह, और 3 साल से बड़ों के लिए आप देखिए सिर्फ इतना ही अमाउंट चाहिए हमें। और एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लीज फीडर में बच्चे को दूध देके नहीं सुनाएं। जो लास्ट चीज आप करें, अगर आपका बच्चा रात को दूध पीने का उसको हैबिट है, उसको दें और उसके बाद उसको ये बात बताइए कि ब्रश करके सोना है। और अगर आपका बच्चे को आदत है तो उसको किसी और तरह के लिए सिर्फ पानी देके सुना दें, लेकिन प्लीज कोई शुगर नहीं उसके अंदर, बहुत बुरी तरीके से चाइल्डहुड केयरीज स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, इसमें जो मैं बाकी बात मैंने बताया कि टूथपेस्ट कितना होगा आपका, एंड इट्स इम्पोर्टेंट टू स्पिट आउट, स्वॉलो नहीं करना टूथपेस्ट को। एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हेल्प योर चाइल्ड विद ब्रशिंग। देखिए, असिस्ट कराना बहुत जरूरी है। 6 से 7 साल का बच्चा नहीं कर, जब वो 6-7 साल का होगा ना तब वो खुद ब्रश करेगा, उससे पहले वो नहीं कर सकता, इसलिए हमें उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। हम जब खुद ब्रश करने जा रहे हैं हम उनको अपने साथ लेके जाएंगे। अब हम जब कर रहे हैं वो हमें देखेंगे और हमने उनको करवाना है, उसके बाद वो खुद कर लें। 6 साल तक अगर आपने उनको साथ ले जाके करवाया है ना तो वो खुद कर लेंगे, लेकिन उससे पहले बच्चा नहीं कर सकता। आपको उसको हेल्प कराना है, असिस्ट कराना है। एक और चीज जो हमारे बहुत कॉमन है, हम ब्रशेस के ऊपर एक कैप लगा देते हैं फौरन से और हमारा ब्रश उस वक्त वेट होता है। एंड इट्स एन आइडियल एनवायरनमेंट फॉर बैक्टीरिया टू ग्रो, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर टूथब्रश ड्राई, उसको मॉइस्ट मत रहने दीजिए। एक चीज जो डेंटल सीलेंट्स होते हैं जो कि हम बच्चों में, जब आपको देखिए बच्चों के दांत इस तरह होते हैं कि बहुत से ग्रूव्स हैं इसके अंदर, और इस तरह से इनको अगर हम सील कर देते हैं अर्ली स्टेज पे तो इनकी बहुत बेहतर इनकी ब्रशिंग हो सकती है। आमतौर पे सीलेंट्स जिन दांतों पे हमने किया होता है वो 80% उसके अंदर वो रिड्यूस करता है, सीलेंट्स के अंदर रिड्यूस डिके बाय 80%। तो दे आर वेरी हेल्पफुल। अगर आपको लगता है कि बच्चों की बहुत ज्यादा कैविटीज हो रही हैं तो एट एन अर्लियर स्टेज ये बहुत फायदेमंद देते हैं। और फ्लॉसिंग, इस पे भी मैं जरूर कहना चाहूंगी, फ्लॉसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, इफ यू डोंट फ्लॉस यू मिस लाइक क्लीनिंग 35% ऑफ द टूथ सरफेस, आप मिस कर रहे हैं इस चीज को। अगेन, मैंने ये सिर्फ पिक्चर्स नहीं दिए हैं दिखाने के लिए, आप वीडियोस देखें इस पे जाके YouTube पे, खुद देखें, अपने बच्चों को दिखाएं, और वो इतना मुश्किल नहीं है। ये भी आप अगर हैबिट होगी आपकी, आपके बाकी बच्चों की हैबिट होगी तो इंशाल्लाह इन बच्चों में भी खुद ब खुद ये हैबिट बन जाएगी। I would like to end here with this hope that one day CF will stand for cure found. हम इंशाल्लाह उन सब लोगों के साथ हैं जो उन पेरेंट्स के साथ हैं, हम उन बच्चों के साथ हैं जो इस बीमारी से लड़ रहे हैं। We admire their strength, We honor those who, all of them who have been taken up, and inshallah we'll never give up hope, क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने यही बताया है कि हम उसकी रहमत से कभी भी ना उम्मीद ना हो. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. जज़ाकल्लाहु खैरा. Thank you very much indeed, Dr. Lubna. MashaAllah, very nicely explained. और जैसा आपने कहा कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट, कि आपको ना प्रॉब्लम हो ना उसका इलाज करना पड़े. तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी माशाल्लाह प्रेजेंटेशन थी. थैंक यू वेरी मच. अब डॉक्टर जुबिया के पास कुछ सवाल हैं, वो पहले पूछ लेते हैं, उसके बाद अगर किसी और के सवाल हुए तो वो भी आपसे पूछ लेंगी. तो अल्लाह ताला आपको जज़ाय खैर दे. जज़ाकुमुल्लाह खैर. बहुत शुक्रिया सर. चलें जी, हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ चलते हैं. जी जी, फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो ये था कि जी 8 साल का जो सीएफ चाइल्ड है जिसमें दूध के दांत उनके 7 माह पहले उन्होंने एक्सट्रैक्ट किए गए थे, लेकिन अभी तक उनके नए दांत नहीं आए, पूछ रहे हैं कि क्या ये नॉर्मल है? इसमें मैंने जैसे पहले बताया कि 6 महीने से 1 साल का वक्फा अगर है तो वो नॉर्मल है, लेकिन आप देखिए इसमें रेडियोग्राफ लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अगर इससे ज्यादा का टाइम है, साल से ज्यादा का टाइम हो रहा है तो फिर हमें देखना पड़ेगा. और अगर दांत जैसे बहुत जल्दी निकलवा लिया गया, यानी कि उस दांत को टूटना था 10 साल की उम्र में, लेकिन अगर वो 4 साल की उम्र में निकल जाता है, या फिर जैसे अब 8 साल का बच्चा और वो दांत निकलना था 12 साल की, आमतौर पर जो लास्ट मिल्क टीथ जो हमारा है वो 12 साल तक का होता है, कि 12 साल में बच्चों का टूटता है, तो अगर वो जल्दी निकलवा लिया जाए तब भी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, लेकिन ये इतना इशू नहीं होगा. अगर ज्यादा होगा तो आपको एक रेडियोग्राफ करवाना पड़ेगा, एक्सरे के बगैर ना कुछ भी नहीं पता चलेगा कि नीचे अंडरलाइन टूथ में कितना गैप है, कितना दूर है, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. सो इट्स इम्पोर्टेंट कि इसमें इन्वेस्टिगेशन के बगैर मैं कुछ भी नहीं कह सकती वैसे ना. सही बात है. चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इनकी बेटी है 3 साल की, उसके ऊपर वाले जो 4 हाँ जी इसके इंसाइजर जो थे वो कहते हैं कि जो ब्राउन हुए फिर ब्लैक हुए और फिर इन दांतों के एनामल मुकम्मल तौर पर खत्म होकर डिस्ट्रॉय हो गया और अब सिर्फ रूट्स बचे हैं. तो इनका क्वेश्चन ये है कि बाकी दांतों को सेव किस तरह से किया जाए. टूथपेस्ट का पूछ रहे हैं कि क्या कोई टूथपेस्ट ऐसी है जो डीके को प्रोटेक्ट कर सके, और एज एन इंफॉर्मेशन में खाला उन्होंने ये बताया है कि जो बच्ची है वो बफलो मिल्क का 1 to 2 कप्स पीती है डेली और विटामिन डी सप्लीमेंट्स भी लेती है. जी अच्छा, अब इसमें देखिए 3 years old है तो अब मोस्ट प्रोबेबली वही मैंने जैसे बताया कि फीडर इज वन ऑफ द मेन कॉज. टिपिकल ब्राउन अपीयरेंस के साथ ब्लैक एनेमल वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है. देखिए मैंने जैसे कहा टूथपेस्ट इतना मैटर नहीं करता जितना अगर बाकी चीजों को कंट्रोल अगर नहीं किया जाएगा, अगर हमारी ब्रशिंग टेक्निक ठीक है. फिर देखिए 3 साल का बच्चा काफी छोटा है ना, उसको असिस्ट भी कराना पड़ता है. अगर वो फीडर ले रही है ना तो फिर ये प्रॉब्लम स्पेशली रात को, तो इसको आपको थोड़े सी उसकी बाकी चीजों को, डाइट को, हैबिट को, इसको ब्रेक करना पड़ता है. देखिए अगर रात का है अगर तो मुश्किल होगा. और विटामिन डी इफ शी इज टेकिंग तो उसमें भी वो प्रिवेंट करता है, लेकिन यह है कि मैं ये नहीं कह सकती, मैं टूथपेस्ट आपको कोई भी बताऊं ना उसका कोई खास फायदा नहीं है. आपको बाकी सारे फैक्टर्स को ना इकट्ठा करना पड़ेगा. अगर फिर भी पेरेंट्स की कोई क्वेरीज है दे कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी. मेरा नंबर है, मेरे ख्याल क्लिनिकल ग्रुप में भी है, तो वो मुझे पिक्चर सेंड कर दें तो वो मुझे ज्यादा अच्छा हो जाता है उस चीज को समझने में. चलिए ठीक है, जज़ाकिल्ला खैर. कसीरा वो हैं इस वक्त जिन्होंने क्वेश्चन पूछा मीटिंग में, तो उन्होंने सुन भी लिया होगा अपना आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जी इनकी बच्ची की उम्र है 6 साल और उसके ऊपर के दांत कहती हैं जी काले हुए और फिर गिर गए, अब नीचे के दांत भी गिर रहे हैं और गिरने से पहले हिलते हैं. इनके पीडियाट्रिशियन ने इनको ये बताया कि वो फीडर क्योंकि बहुत ज्यादा लेती है और वो बच्ची 6 साल के होने के बावजूद ग्लास वगैरह से कुछ नहीं पीती. Kindly क्या एडवाइस करती हैं आप इस बारे में? देखिए ये वही है जो मैंने बताया कि फीडर एडिक्शन उसका यही पैटर्न होता है कि इसके अंदर शुरू में ऊपर के दांत इफेक्ट होते हैं, नीचे के दांत इसलिए नहीं होते क्योंकि टंग देर वो उसको प्रोटेक्ट कर लेती है, लेकिन फिर इवेंचुअली नीचे के दांत भी इफेक्ट हो जाते हैं. देखिए 6 साल का बच्चा जो होता है ना वो अब काफी हमारा अक्लमंद बच्चा होता है. अगर हम उसको दिखाएं ना, अगर हम उसको YouTube पे भी दिखाएं, हम उसको इमेजेस दिखाएं, जैसे आप देखें मैंने अर्ली चाइल्डहुड केयरीज के बारे में बात की, अगर उसको बच्चे को ये दिखाया जाए कि हाँ ये देखो ये फीडर की वजह से ये मसले हो रहे हैं और इसको अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो ये इससे ज्यादा भी प्रॉब्लम होगा, पेन होगा। बच्चे को खासतौर पे पेन से बहुत खौफ आता है। देखिए छोटा बच्चा ना, उसका काम करना मुश्किल नहीं होता, उसका काम सिर्फ 5 मिनट का होता है, लेकिन उस बच्चे को कन्विंस करना कि आपका हमने कहा, या उसको चेयर पे बिठाना, और उसके बाद हमें एक छोटे बच्चे का काम है कुछ 2-3 सेशन सिर्फ बच्चे से बातें करने के होते हैं, उसमें उसका कोई पहले सेशन में आप बच्चे का कोई काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो बच्चा वैसे ही डर जाता है। जो आपका हमारा कमरा भी इस किस्म का होता है, हमारी इंस्ट्रूमेंट्स भी इस तरह के होते हैं, खुद आजकल हम खुद भी इस तरह के दिखते भी इस तरह के हैं, ठीक है, वी आर वेयरिंग सो मेनी थिंग्स। तो वो बच्चे को ना बहुत, मैंने जो प्रिवेंशन पे बात की मैंने इसलिए की कि देखिए अच्छा अब ये हो गया, अब क्या होगा। देखिए अब 6 इयर्स के बच्चे के जो ऊपर के दांत हैं वो 6 to 7 में परमानेंट आपके आ जाते हैं, तो अब हम उसको नहीं छेड़ेंगे ना, हम कुछ नहीं कर सकते उसका, क्योंकि इस 6 इयर्स के बच्चे के वो वाले दांत निकलवाने कोई इतना आसान नहीं होता। उस बच्चे को कन्विंस करके उसके वो दांत निकलवाना, आमतौर पे देल फॉल आउट, वो इतना इशू नहीं होगा। नीचे के दांत भी 6-7 साल में, अब जो पीछे बच्चे हैं ना मोलर्स स्पेशली, और 6 साल में मैंने एज आई मेंशन 6 ईयर मोलर, इसको बहुत जरूरी है रिकग्नाइज करना और इसको बचाना। जो परमानेंट आ रहे हैं ना उनका ध्यान करना, और उसके बाद जो पीछे अब मिल टीथ में भी जो मोलर्स पड़े हैं ना उनका ध्यान करना। तो अब ये कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें यह कि बच्चे की हैबिट को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, बच्चे की थोड़ी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, उसको दिखाइए, यही पिक्चर्स दिखा दीजिए, बच्चा समझ जाता है। तो उसको यह है कि थोड़ा सा आपको उसको काउंसिल करना पड़ेगा। ये तो अब इसके अलावा नहीं, अब ये जो दांत खराब हो गए ना इनको हम नहीं छेड़ेंगे। अगर मेरे पास मतलब बच्चे आए क्लिनिक पे, हम उसको नहीं मैं कुछ करते, लेकिन जो रह जाते हैं ना उसको अब हम करना है। जी 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 सही बात है, ठीक है कि वो बात सही। चले नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा ये है कि जी सीएफ के पेशेंट्स में, क्योंकि कहते हैं कि सलाइवा इनमें जो थूक होती है उसमें फास्फोरस और कैल्शियम की ऑल्टर्ड अमाउंट्स होते हैं, तो क्या ये डेंटल हेल्थ के ऊपर कोई इफेक्ट करती हैं? अच्छा, इस पे ना बड़ी रिसर्च इन लोगों ने जैसे की हुई है, उसके अंदर आइडियली होना तो यही चाहिए कि फास्फोरस और कैल्शियम ज्यादा है तो आपका टार्टर बिल्डअप ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन जो आप बच्चे मेडिसिन ले रहे हैं ना, स्पेशली एजिथ्रोमाइसिन, उसकी वजह से ना इतना ज्यादा गम प्रॉब्लम्स नहीं है, इवन केरीज भी इतनी ज्यादा नहीं है। जितनी भी इन्होंने स्टडीज की हैं, जितनी मैंने भी अब तक पढ़ी, उसमें यह है कि बड़े मिक्स किस्म के इनके रिजल्ट्स हैं। ज्यादातर अब यही है बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ एजोमैक्स स्पेशली ना, इतना ज्यादा इशू नहीं है, इतने ज्यादा अगर इनके लेवल्स हाई भी हैं तो ये बहुत ज्यादा बच्चों के दांतों को इफेक्ट नहीं करे, सो इट्स नथिंग टू वरी अबाउट एक्चुअली। ठीक है, नेक्स्ट जो है लास्ट क्वेश्चन है अभी जो ऑलरेडी आए हुए थे, उसमें ये है कि जी क्या सीएफ के बच्चों को नॉन सीएफ बच्चों की निस्बत डेंटिस्ट के पास ज्यादा फ्रीक्वेंटली विजिट करना चाहिए? अब देखिए, अगर प्रॉब्लम आपको लग रहा है, अगर लग रहा है कि आप देखें, आप खुद भी देखें आपको कैविटीज लग रही हैं, तो आप उसको टाइम पे, ठीक है, टाइम पे उनको करवा लें। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं अब्दुल्ला की जब कोई स्केलिंग करनी पड़ती है मुझे या फिलिंग करनी पड़ती है, सलाइवा बहुत थिक होता है, काम करने में बड़ी दुश्वारी होती है आम बच्चों के निस्बत। तो मुझे उसको सक्शन करने में और विजिबिलिटी मेरी अक्सर बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो वो ये है कि टाइम पे अगर हम कर लेते हैं ना, तो हम बहुत सी चीजों को प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत से प्रॉब्लम्स, ज्यादा प्रॉब्लम देखिए इरोजन का है, अगर बच्चे के वॉमिटिंग है स्पेशली, अगर उस तरह से कोई इशू आ रहा है, या फिर केरीज का है, गम प्रॉब्लम्स कम हैं, जितने भी मैंने स्टडीज भी जितनी मैंने पढ़ी हैं उसके अंदर तकरीबन बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स ना आपकी इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि एक प्रॉब्लम आ रहा है, उसको वेट मत करें, बच्चा पेन में मत आए। देखिए ये सिर्फ मैं हर एक के लिए कह रही हूँ, सब बच्चों के लिए कह रही हूँ। बच्चा अगर पेन में आता है उसकी ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो खौफजदा बहुत होता है, उसको फिर कभी हमें सिडेशन पे जाना पड़ता है। हम सीएफ में बच्चों को सिडेट नहीं कर सकते हैं, मुश्किल हो जाती है उसके लिए, इट्स नॉट रिकमेंडेड। तो इस वजह से यह है कि हम इन चीजों को अर्ली रिकग्नाइज करें, और अगर लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर उसको हम सबसे बेहतर है कि हम उसको टाइम पे देख लें, बजाय कि बच्चा पेन के साथ आए क्लिनिक पे। ठीक है जी, चलें, सही है। डॉक्टर अली कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? जी, थैंक यू वेरी मच इंडीड। थैंक यू वेरी मच इंडीड। तो मेरा एक क्वेश्चन जो है वो शायद मेरी अपनी समझ के मुताबिक मुझे सही पता नहीं चल रहा था कि क्या जवाब होगा। आपने बताया कि जो पानी पीने की मिकदार बच्चों में है वो इनका वजन को 5 से तकसीम करके ग्लासेस में वो चेंज कर लें। तो एक तो ये था कि बॉडी वेट वो पाउंड्स में है या किलोज में है जिसको 5 से तकसीम करना है, और ग्लास साइज कितना कुछ होगा, 250 मिल्स वाला, 300 मिल्स वाला, 500 मिल्स वाला। अच्छा, ये मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी फिर इसके बाद। इसका मेरे ख्याल है प्रॉपर एक फार्मूला है। हाँ, तो वैसे हम बच्चों के वेट के हिसाब से तो हमें पता है कि जो 10 किलो का बच्चा होता है जो कि 1 साल की उम्र है उनके अमूमन ये होता है कि एटलीस्ट 1 लीटर उन्हें दिन में चाहिए। जो 20 किलो का बच्चा है उसको 1500 मील्स 1.5 लीटर की जरूरत होती है, और 20 से ऊपर जो वजन होता है फॉर एवरी 10 किलो 200 मील्स की जरूरत पड़ती है। तो जैसे 10 किलो के हिसाब से 1 लीटर, 20 किलो के हिसाब से 1500 मिली लीटर, और जो 30 किलो का है उसका 17 हो जाएगा, और जो 40 का है वो 19 हो जाएगा। तो इस हिसाब से वो है, लेकिन ये ग्लासेस के हिसाब से और बॉडी वेट में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था कि जो सुन रहे हैं मेरी तरह वो भी शायद थोड़ा से कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक, मुझे समझ। अच्छा, समय में आपको ये शेयर कर लेती हूं फिर बाद में, ठीक है। और दूसरा मेरा ये कमेंट है, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे तरीके से सभी को समझाने की कोशिश की है कि हम एज ए पेरेंट्स जो है ना वो बच्चों की थोड़ी सी जो है वो लुक आफ्टर करनी है, सुपरवाइज करना है। और मेन जो चीज़ है ना, मैंने जो अभी तक की है, और दिस इज मैं किसी को टेल ऑफ करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, हम खुद जो बड़े हैं ना वो हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं, लिहाजा हम बच्चों को भी नहीं करने देते हैं। जैसे ये फिजियो के हिसाब से है, हमारा अपना कंसेप्ट जो है वो सही नहीं होता है कि फिजियो बच्चों को 2 दफा खुलवानी है, उसकी इम्पोर्टेंस अहमियत कितनी है, तो लिहाजा फिर हम बच्चे को वह कैसे कर सकेंगे। इसी तरह ये फीडिंग के हिसाब से भी है कि अगर फीडर दिया हुआ है रात में, तो अगर हमने खुद ही नहीं कहना कि 6 साल का अगर बच्चा है तो इसको फीडर की जरूरत नहीं होना चाहिए रात के वक्त, तो वो पहले हमने अपने आप को समझाना है, उसके बाद बच्चा समझेगा। लेकिन अगर हमने वैसे चलो ठीक है करता है करने दो, तो इस तरह से वो बच्चे की तो आदत बन जाती है और उसे फिर सुधारना जो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि थोड़ी सी मेहनत करना पड़ती है बच्चों के साथ, बच्चों की साइकोलॉजी को समझने की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब आप शुरू में ऐसी चीजें करेंगे तो बाद में आपको मुश्किलात कम आएंगी। तो प्लीज थोड़ा से अपने ऊपर जो है वो टाइम ले लें, और बच्चे को भी टाइम दें, समझाएं उन्हें और खुद भी समझें, और फिर आंदा के लिए प्रॉब्लम्स भी इंशाल्लाह नहीं होंगी। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है कि थोड़ा सा है कि पेरेंट ये मुश्किल है, लेकिन वही बात है कि अगर आपका पहला बच्चा ये कर रहा है, उसको भी पता है कि ये 6 साल से तो बिल्कुल भी फीडर, तो दूसरा भी वही करेगा। एक घर में एक हमारा एक हैबिट जो हमारी डेवलप होगी ना। देखिए, अगर बच्चा हमें देख रहा है, हमने खाना खाया, हमने रिंस किया, रिंस आप देखें बच्चे रिंस ही नहीं कर रहे, आप पानी ही नहीं इस्तेमाल, आप कैसे आपका वो ठीक होगा। इसी तरह अगर आप ब्रश रात को नहीं कर रहे, देखें अगर आप रात को खुद नहीं कर रहे तो बच्चा नहीं ब्रश करेगा। तो ये चीजें हैं कि ये हमें खुद हम करेंगे तो बच्चा बहुत सी चीजें उसको एक नॉर्मल रूटीन समझेगा, उसको वो ओवरबर्डन नहीं होगा इस चीज से बिल्कुल भी। कोई मजीद किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लें, अपॉर्चुनिटी है इस वक्त। ऑनलाइन ट्रीटमेंट नहीं हो सकती लेकिन मशवरा ले सकते हैं। एवरीबॉडी इज एग्जॉस्टेड। क्वेश्चन है, खदीजा कुछ पूछना चाह रही हैं। जी 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 खदीजा जब कॉफ करते हैं फिर जब म्यूकस मुंह से ही निकलता है तो फिर दांतों को कुछ म्यूकस से कुछ होता है? नहीं, खाली म्यूकस से कुछ नहीं होगा। यानी अगर आप जो मैंने बात की थी वो वॉमिट के आपकी गैस्ट्रिक आपके एसिड अगर पेट आ रहे हैं स्टमक से, लेकिन खाली म्यूकस एसिड इट वोंट अफेक्टेड। हाँ, आप ये है कि आप आपकी बाकी हाइजीन अच्छी है, ठीक है, तो वो उसको अफेक्ट करती है, लेकिन म्यूकस इट वोंट अफेक्ट। ठीक है खदीजा, आई थिंक दैट्स इट। जी दैट्स इट। अभी और कोई क्वेश्चन है तो नहीं, रुक जाते हैं 1-2 मिनट अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है। बिल्कुल, जो आपने पिक्चर कहा था वो उन्होंने मुझे भेज दी है, मैं आपको इंशाल्लाह भेज भी दूंगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, देखिए छोटे बच्चे में ना, जैसे जिसका अब तो जो हो गया वो हो गया, लेकिन जो बाकी दांत है ना उनको जरूर प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए। इसके अंदर जो है बच्चे की पेन बहुत मुश्किल होती है। मैं खुद भी बच्चा अगर पेन के साथ है तो देखिए बहुत मुश्किल है, उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। डेंटल क्लिनिक्स आर वेरी स्केरी, इनको हम जितना मर्जी अच्छा भी बना देना, ये स्केरी ही लगते हैं फिर भी जो है ना, तो और बच्चे के लिए तो बहुत स्केरी होते हैं। अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता। बचपन में जो एक डेंटल ट्रॉमा का जो एक वो हो जाता है, बच्चा उसमें से सारी उम्र नहीं निकल सकता है। जिनका बचपन का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता डेंटिस्ट का, वो देखें वो कभी भी नहीं जाते उसके पास। सही बात है। अगर वो कोई सवाल? जी जी नहीं डॉक्टर, और तो कोई क्वेश्चन नहीं है अभी। किसने अस्सलाम वालेकुम कहा ना? अच्छा जी जी जी, शाजिया कुछ कहना चाह रही हैं। जी शाजिया जी, मैंने पूछना था कि क्या 14 इयर्स की जो है टीनेजर उनकी स्केलिंग करवा सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। अगर उनके इस तरह बिल्डअप्स है, टार्टर है और इस तरह, तो बिल्कुल करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं उसके अंदर। सही, थैंक यू। चलिए, अगर कोई मजीद क्वेश्चन नहीं है तो डॉक्टर लुबना बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम का। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर दे और अल्लाह ताला जो कुछ आपने कहा है ये लोगों के लिए मुफीद साबित हो, फ़ायदेमंद हो और आइंदा बच्चों की सेहत जो है वो ठीक ठाक रहे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।